वो घटिया लोग जो हमारे वोट बैंकों पर जीत के सांसद और विधायक बन रहे हैं और चुपचाप दलित के नाम पर चुपचाप जाके सांसद और विधायक विधानसभा में एसी का हवा तोड़ रहे हैं, वो बेशरम लोग सड़क पे उतरो। कहे कि तुम्हारा भाई जो तुमको वहां तक पहुंचाया है वो सड़क पर धूप में बैठा हुआ है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। कल भारत बंद है, यानी 21 अगस्त को भारत बंद है, उसको लेकर आज बाइक जुलूस निकाली गई है। आधारित जनगणना करो, जी हाँ, याद रखेंगे 21 अगस्त को नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के कैंटीन चौक पे हूँ और हमारे पीछे देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, एससी एसटी समाज के लोग हैं। और आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जो फैसला आया था आरक्षण को लेकर कोटे में कोटा, उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। कल भारत बंद है, यानी 21 अगस्त को भारत बंद है, उसको लेकर आज बाइक जुलूस निकाली गई है और बड़ी संख्या में लोगों ने बाइक जुलूस में हिस्सा लिया और अभी यहाँ कलेक्ट्रेट के पास आए हैं। हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। कल बंद है, आज मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम अपने नगर वासियों को, पूरे जिला वासियों को हम यह संकेत देने के लिए आए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी के आरक्षण में जो क्रिमिनलियर और उपवर्गीकरण किया गया जो पूरी तरह असंवैधानिक है, हम इस असंवैधानिक निर्णय के खिलाफ में संपूर्ण भारत बंद करने के लिए जो कल रोड पर उतरेंगे उसके लिए हम अपने शहरवासियों को जानकारी देने के लिए मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से जुलूस निकाले थे। हमारा कल जो संपूर्ण भारत बंद में पूरी तरह शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में बंद रहेगा। हम इस बंद में जो है अब जो है इमरजेंसी सेवाएं को हम कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हम तमाम तरह के जो है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, दूध और जो है अग्निशामक को कल बिहार पुलिस की परीक्षा भी है, जो बहाली है उसको लेकर परीक्षा की जा रही है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग? हम परीक्षार्थियों को कहेंगे समय से पूर्व आ जाएं। हम लोग यदि बंद करने के लिए 9 बजे से उतरते हैं वो लोग पहले से आ जाए, जो केंद्र पर आ जाते हैं रास्ता में यदि उनको बाधा उत्पन्न होती है तो उनको उनके खुद जो है अपने सहूलियत को लेकर जो है आ जाएंगे। समय से पूर्व यदि आ जाते हैं तो उन लोगों को होगा, या सरकार यदि तय करते हैं, यदि जो छात्र नहीं पहुंच पाते हैं परीक्षा केंद्र पर, सरकार हो सकता है कि अपना जो परीक्षा रद्द भी करे। या सरकार लोग कितने बजे से रोड उतरेंगे? हम लोगों को ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तय किया गया है, कहीं 7 बजे से भी है, कहीं 6 बजे से, कहीं 9 बजे से, लेकिन संपूर्ण लोग 9 बजे तक रोड पर उतरने का काम करेंगे।
बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए SC ST संघर्ष मोर्चा जिम्मेवार नहीं है, सरकार और एग्जाम को निश्चित तय की है, कहीं ना कहीं SC ST मोर्चा को संघर्ष को चैलेंज करने के लिए कॉर्पोरेट मिलेगा उनको, नहीं कॉर्पोरेट मिलेगी अगर जो मेरा निर्धारित समय है, निर्धारित समय के बीच में किसी तरह का व्यवधान होता है उसके लिए कभी संघर्ष संयुक्त मोर्चा जिम्मेवार नहीं होंगे। क्या कहेंगे गरीबदास जी, इधर आइए। आज बाइक रैली के माध्यम से SC ST मोर्चा बेगूसराय के द्वारा एक बहुत विशाल मोटरसाइकिल रैली से ये बता दिया गया कि कल आप जो है बंद रखेंगे, बंद नहीं रखेंगे तो आपकी परेशानी होगी, हमारी परेशानी नहीं होगी। हमारी मोर्चा ने घोषणा ही नहीं बल्कि आपको शांतिप्रिय तरीके से आज शहर के पूरे शहर के हर गली से गुजरते हुए गाड़ी के माध्यम से मैंने बता दिया। दूसरी चीज, पूरे भारत बंद रहेगी और भारत में ये प्रदेश बंद रहेगा, ये जिले बंद रहेंगे, ब्लॉक मनुमंडल और गांव की गलियों भी बंद करने जा रही है SC ST मोर्चा के साथी लोग। आपके बंद को कितने पार्टी का समर्थन मिला है? देखिए, जो नैतिक रूप से जो संविधान को मानते हैं वो सारे लोग समर्थन मोटा मोटी मन ही मन करे, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। आधिकारिक रूप से जो है भीम आर्मी जो है दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला, CPI और CPI ML राजद का जो है से एक अनुसूचित जाति का हम लोग देखे हैं कि प्रकोष्ठ का जो है एक लेटर पेड जारी किया साधु पासवान जी के द्वारा, तो ये राजनीतिक दल जो है गिने चुने राजनीतिक दल का समर्थन मिला है। जो भी राजनीतिक दल समर्थन किए हैं यदि ईमानदारी पूर्वक रोड पर आते हैं तो हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। जो संवैधानिक लड़ाई में और लोकतांत्रिक में विश्वास करने वाले, न्याय के साथ खड़े होने वाले तमाम राजनीतिक दल को मेरा शुक्रिया। जो लोगों ने हमारे तो राजनीतिक दलों को भी काफी समर्थन मिल रहा आपको? जी जी, राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन मिला। बहन जी इस पर सबसे पहले बोले थे बहन जी कि भारत बंद होना चाहिए और भारत बंद का आह्वान किया गया है। 21 तारीख को पूर्ण रूप से भारत का समर्थन है बंदी करने का, बहन जी का आदेश है। तो कल शांतिपूर्ण बंद रहेगा? जी मैं चंदन कुमार, अधिवक्ता चंदन कुमार दास, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता। तो बहुजन समाज पार्टी के चंदन दास, विकास आप राजद से हैं, विकास पासवान आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपने वर्ग से हैं, अपने जात से हैं, SC ST से हैं, उसके बाद मेरी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST में क्रिमिनलाइज किया गया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, वैसे जो पिछले दरवाजे से जो पार करते हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आरक्षण टच एलबीटी के तहत मिला है, ना कि शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पे मिलता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में बनाया गया, लेकिन बैकडोर से जो तत्कालीन सरकार है जो अब खेल खेलते हैं, हम बहुजन समाज के जो भाई हैं उनको अब हल्का में मत लीजिए। कल पूरा भारत बंद है, भारत बंद है, इसके तहत आज बेगूसराय में हमारे विजय भाई हैं, विकास जी हैं, राजीव रंजन जी हैं, हमारे गरीब दास भाई जी हैं और तमाम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अंजय जी हैं, सारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में पूरे जिला में आज बाइक जुलूस निकाला गया, एक मैसेज दिया गया है कि तमाम लोग जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं कल आप सड़कों पे आइए, अगर आप नहीं आइएगा तो आपके खिलाफ में वैसे लोग बैठे हैं कोलिजन सिस्टम में जो निर्णय लेते हैं कि नहीं कैटेगरी में कैटेगरी होना चाहिए। तुम कहने वाले कौन हो? राजद भी आ रहा है समर्थन किया, बीजेपी सब सुन रहा है, राजद की ओर समर्थन, एकदम राजद ने, हमारे जो SC ST के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हैं उन्होंने लेटर जारी किया है। मैं जो कोटा में कोटा आरक्षण की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जज का बेटा जज क्यों मानेगा, पहले इसका फैसला करो, अगर सुप्रीम कोर्ट पूर्ण विचार करके इसको वापस नहीं लेगी तो 2 अप्रैल को जो हुआ था धरना या प्रोटेस्ट जो हुआ था उससे भयंकर होने जा रहा है कल। क्या कहेंगे राजीव जी? देखिये, तमाम हमारे भाई आज सड़क पर है, कल भारत बंद का पूरे देश का कॉल है और कल भारत बंद रहेगा। जो लोग आरक्षण के सीट पे सांसद और विधायक बन के जाते हैं और अपने सत्ता के दल में मुंह ताकते रहते हैं कि उसके आका उनको जो आदेश करेंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे, वैसे बेशर्मों से हम कहना चाहते हैं कि बेशर्मों अब तो ख्याल रखो कि अब तुम्हारी जिस वोट बैंक पर तुम जीत के जाते हो उसकी स्थिति दयनीय कर दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेशर्मो अब तो इन अपने भाइयों के साथ सड़क पे उतरो, अब ये बेशर्म लोग जो AC में बैठ के मजा ले रहे हैं दिल्ली में, उन बेशर्मों को आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि वो घटिया लोग जो हमारे वोट बैंकों पर जीत के सांसद और विधायक बन रहे हैं और चुपचाप दलित के नाम पर चुपचाप जाके सांसद और विधायक विधानसभा में
एसी का हवा तोड़ रहे हैं, वो बेशरम लोग सड़क पे उतरो, कहे कि तुम्हारा भाई जो तुमको वहां तक पहुंचाया है वो सड़क पर धूप में बैठा हुआ है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। बेशर्मो सड़क पे उतरो, 21 तारीख को भारत बंद रहेगा। आज बड़ी संख्या में राजीव रंजन आपके समाज के लोग उतरे हैं सड़क पर बाइक जुलूस में, पूरा बहुजन समाज उतरा हुआ है, पूरा बहुजन समाज उतरा हुआ है। पहले हम अपने अपने भाई कमजोर भाइयों के साथ है, बहुजन समाज के साथ है, उसके बाद किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के है।